आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागपुर जंक्शन से अयोध्या तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागपुर महाराष्ट्र से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे कि नागपुर से अयोध्या तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में जो कि नागपुर से अयोध्या के बीच में चलती है, उन सभी ट्रेनों के प्रस्थान के समय के बारे में बात करेंगे, यानी कि नागपुर से कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे रवाना होती है और अयोध्या में कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है, और वो जो ट्रेन है नागपुर से अयोध्या की दूरी जो है कितने समय में कवर करती है और इसके तकरीबन कितने स्टेशन हैं, कौन कौन से दिन चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और एवरेज स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पर दो ही ट्रेनें चलती हैं, इस रूट पर तो दोनों ट्रेनों के बारे में हम पूरी डिटेल में बारे में बात करते हैं आगे जाके और जान लेते हैं नागपुर से अयोध्या तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। नागपुर से अयोध्या के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस। श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 22613। ये जो ट्रेन है नागपुर जंक्शन से हर मंगलवार को सुबह 6:55 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20:58 बाद अयोध्या धाम जंक्शन में 3:53 पर पहुंच जाती है बुधवार को। इसके तकरीबन 8 स्टेशन से 1155 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं, इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। अगर बात करें इसके कोच कॉम्पोजिशन के बारे में तो दो जनरल डिब्बे हैं इसमें, दो सेकंड AC के कोच हैं, 6 कोच इसमें थर्ड AC के शामिल है, एक पेंट्री कार का कोच है और 7 कोच इसमें स्लीपर क्लास के जोड़े जाते हैं। ये पहली ट्रेन है जो कि नागपुर को अयोध्या से कनेक्ट करती है। इसके बाद जो दूसरी और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इस रूट पर दोनों ट्रेनों में से, उसका नाम है यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस जो कि वाया अयोध्या कैंट होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 15024। नागपुर जंक्शन से हर शुक्रवार को 9:00 एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:24 बाद ये ट्रेन जो है 4:24 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर अयोध्या धाम जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन से 1109 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 57 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो जनरल डिब्बों के तकरीबन 3 कोच हैं, स्लीपर क्लास के 4 कोच हैं, 2 कोच सेकंड AC के हैं, 1 फर्स्ट AC का कोच है और थर्ड AC के तकरीबन इस ट्रेन में 10 कोच शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ नागपुर से अयोध्या तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।